हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 5:30 हो चुका है और आज जल्दी उठ रही मैं, क्योंकि आज मुझे भोग भी बनाना है। आज है 22वीं बैसी, मतलब आज बैसी ख़त्म हो जाती है। तो अभी हम लोग भोग बनाएंगे और उसके बाद दिन में जाएंगे गांव में, वहां पे है भंडारा। तो अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मैंने नहाया धोया कुछ नहीं है, उठते ही सीधे व्लॉग स्टार्ट किया। आज बाहर का मौसम एकदम क्लियर हो गया है, उम्मीद करती हूँ आज बारिश ना हो, क्योंकि आज मुझे भंडारे में जाना है। तो गाइस, अभी 7 बज चुके हैं और अभी मैं मंदिर अंदर में सफाई करके आ गई हूँ, फूल उल तोड़ के रख के आ गई हूँ। सुबह सुबह फूल तोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बट मंदिर में चढ़ाते हैं फूल, तो हमें कम से कम इतने ज़्यादा फूल तोड़ना पड़ता है। तो फूल तोड़ के आ गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ भोग बनाने के लिए किचन में। सो गाइस, इधर मेरा भोग का आटा भून चुका है और इधर मैंने पाक बना रखा है। यहाँ पे ये है गुड़ का पाक और उसके बाद इसमें डलेगा दूध, तो दूध और गुड़ के पाक से यहाँ पे भोग तैयार होगा। तो यहाँ पे तिमिल के पत्ते तोड़े जा रहे हैं, ये भोग पहुँचाना है इनमें। तो बड़े बड़े पत्ते तोड़ना, बड़े ही। हाँ, ये साइज ठीक है। तो तिमिल के पत्तों में ना भोग भेजा जाएगा सब जगह, मंदिर में, कुटिया में, हर जगह। क्यों दिव्यांशी, है ना? ये अभी अभी छोगे आ रहे, गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला। कितने तोड़ने तिमिल के पत्ते? 10-12। एक दो तीन चार ही तोड़ के भी, तो चार पांच और तोड़ दो। ये तिमिल के पत्ते जो है ये भोग भिजवाने के काम आएंगे, पूरे 10 तोड़ना है एंड लास्ट 10। ये 10 हो चुके हैं, इनको आप धोएंगे। हेलो गाइस, हम कुछ कर रहे हैं, हम तिमिल के पत्ते तोड़ रहे हैं। तिमिल के पत्ते हैं, तिमिल के पत्ते तोड़ रहे हैं हम। धो रहे हैं बेटा, धो रहे हम तिमिल के पत्ते। एक, ये दोनों कुटिया में जाएंगे ना? हाँ, दोनों जाएंगे, दोनों करते थे ना। और फल ले गए ना पापा? हाँ पापा ले गए फल, वो खाते हैं। कौन खाते हैं? भगवान जी टमाटर। अरे भगवान जी टमाटर खाते? क्या नहीं खाते अभी भगवान जी? प्याज नहीं खाते? ये क्या है? टमाटर। ओके मेरा बच्चो, अब ठंड हो। चलो बड़े पापा को देख के आते इसको। ये देखो, भाभी ने यहाँ पूरी सफाई कर दी है, आज चमका दिया है। आप क्या लाए हुए? बड़े पापा को बताओ आप क्या लाए हो भगवान जी के लिए। मैं टमाटर लाई हूँ। सो गाइस, अभी हम लोगों का नाश्ता हो चुका है और अभी हमें तैयार होना है गांव में जाने के लिए। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि गांव में आज बैसी का लास्ट डे है और वहां पे होगा भंडारा और साथ में होगी जागर। जागर मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि वहां पे अलाउड नहीं है। तो अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। सो गाइस, अभी हम मंदिर की ओर चल पड़े हैं और ये मंदिर के लिए प्रसादी लेके जा रही हूँ। ताई जी आगे चले गए हैं, बाकी मैं और घर जी आ रहे हैं। मयूर पीछे से पता नहीं क्या लेके आ रहे हैं भाई, उनको टाइम लगेगा आने में। ऊपर से नीचे को आ गए, अब बस थोड़ा सा और है। सारे भक्तजन लाइन से चलते हुए, ना बादल कितना अच्छा लग रहा है, धूप चली गई। उधर सामने खाना बन रहा है भंडारे का। फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। मैंने भी यही कहा, ड्रम के पीछे उतारे, मंदिर से ऊपर उतारे थे। तो इधर सभी लोग चप्पल उतार रहे हैं, चप्पल खोना जा करके यहाँ पे रख रहे हैं छुपा के। जाओ अभी छुपा लो, आज तो बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे। फाइनली हम लोग भंडारे से आ चुके हैं, सब दस्ता नाप रहे हैं,
वहाँ वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और फ़ोन तो छोड़ो, फ़ोन बैग में ही थे, हाथ में बैग था तो कुछ भी सूट नहीं कर पाए थे। पर अभी सब लोग भंडारा खा के चले गए हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, आप लोगों को दिखाया मैंने, उससे दूना मतलब स्पेस कम था तो ज़्यादा ही लग रही थी मुझे तो। अभी फिलहाल हम लोग घर को जा रहे हैं। ओए होए होए होए, बड़ा सुंदर आ रहा है, अभी इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना है, बाप रे इतनी दूर से आ गए हम लोग, थक गए, कितना मस्त लग रहा है, हरा भरा। मेन चढ़ाई चढ़ ली है, बैठते बैठते ऊपर को आ रहे हम लोग, अभी और चढ़ाई चढ़नी है, इतना लंबा रास्ता और है, हालत खराब होगी, ऊपर से धूप इतनी तेज लग रही है। वो देखो गर्मी हॉल बेचने जा रहे हैं, ये लोग यहाँ पर गर्मी हॉल तोड़ के इनको ले जा रहे हैं बेचने के लिए। हालत देख रहा हूँ, मेरी हालत खत्म, अभी 4 बज चुके हैं तो अब देखो कब तक पहुँचते हैं। 15 मिनट और लगेंगे लग रहे मुझे तो, 15 मिनट तो लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। चलो जैमी को देख लिया, मतलब हम घर आ गए, इसको देखो मुझे कैसे गोल गोल घुमा रहे। चलो गाइस अभी 5:30 हो चुके हैं तो घर आके मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, फिर उसके अंदर नहाया धोया, तब जाके थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और एक झपकी भी आ गई नींद की, मतलब इतना ज़्यादा थक गए थे, इतनी चढ़ाई थी, वहाँ बैठे थे, इतनी उमस हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी, ऐसी पेट भरा था तो नींद आने लग गई, तो मैंने कहा नींद ले लेती हूँ, छोटी सी हल्की सी एक झपकी आई, उसके बाद मैं उठी, मुँह हाथ धोया तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ, तो अभी थोड़ी देर में चाय बनाते हैं। मयूर हो गया, मयूर का फोन आ गया, आज नहीं लगा हुआ गरम, आज तो बहुत ज्यादा गरम हुआ था, अच्छा हुआ हम लोग बाहर थे। तुम बाहर थे? हाँ, उधर सब्जी तोड़ी जा रही है, इधर सब्जी काटी जा रही है, इधर फोन देखा जा रहा है। एक मच्छर नहीं मार रहा अभी, पहले सबसे बड़े मच्छर को मारूंगी मैं, वो पीछे है, वो अभी सगा लिखा ना, बड़े मच्छर एक मरा, वो देखो रेनबो वो सामने दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है पर मिटने को जा रहा है। हाँ थोड़ा सा है, ज़ूम करो। हाँ जैमी जैमी, अंधेरा हो गया, अब घर को जाओ। वो देखो वो देखो नीचे, जल्दी जल्दी अभी रात में देखो आसमान फ्लश मार रहा है, अब देखो आपको तो मुझे वो करना है, अपनी मुट्ठी में अटकाना है पूरा, ठीक है? किसको? मुझे। कैसा मुट्ठी में अटकाना? देखो मैं अपना पूरा वेट डाल लिया आपके ऊपर, तो अटका के रखो मुझे, मैं गिननी नहीं चाहिए। तुम्हारे यहाँ कैसे नशीली से आ रही है, नशे कर रखे होंगे। अरे कौन सा नशा किया, बीड़ी पियो बीड़ी। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। सो गाइस अभी हम लोगों का डिनर हो चुका है और डिनर करके रूम पर आ गए, तो आज भंडारे में गए थे तो वहाँ पे मैं व्लॉग ज़्यादा बना नहीं पाई थी, एक तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और रही बात वहाँ के खाने की, तो खाने के बारे में तो मत पूछो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो मतलब भंडारे में ऐसा होता है कि कुछ भी बने पर पता नहीं क्यों वहाँ का टेस्ट ही कुछ अलग आ जाता है, तो सेम वैसे ही वहाँ का टेस्ट हुआ था, बढ़िया वाला। तो हम लोगों ने वहाँ पे खाया पिया और फिर थोड़ी बहुत हम लोग घर के लिए प्रसादी लेके आए थे, जैसे कि पूरी वूरी और थोड़ा हलवा वगैरह मम्मी लोगों के लिए लेके आए थे, मम्मी चल नहीं पाती है ज़्यादा, तो वहाँ नीचे बहुत ज़्यादा डाउन है और मम्मी तो वैसे भी बिल्कुल नहीं चल पाती है, तो इसलिए मम्मी लोगों के लिए लेके आई, बाकी थोड़ी थोड़ी हम चाची लोगों को सबको प्रसादी बांटी। तो जो भी रहा बहुत बढ़िया रहा, बहुत मज़ा आया, आज लास्ट डे था तो आज तो मैंने सोचा ही था कि मैं जाऊँगी जाऊँगी, भले कोई आएगा नहीं आएगा, तो मेरे साथ गाइड और ताई जी आए थे। सो गाइज आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, नए हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।